2022 के बीच गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और हाल ही में गुजरात के नए बनाए गए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में ये चुनाव जीता जा सकता है। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गुजरात की बागडोर भूपेंद्र पटेल के हाथों सौंपते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बना भाजपा ने अपने ही सब नेताओं को चौंकासा दिया। दरअसल रविवार को विधायक दल की बैठक के दौरान भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी की ओर से रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया गया। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पद संभाल चुके हैं। वहीं भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद हैं, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी अब आम हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश। तस्वीरें किसी दूरदराज के गांव के इलाके की नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के मनी माजरा इलाके की हैं। सड़कों की खस्ता हाल हालत और उस पर बारिश के बाद ये हालात हर दुकानदार और राहगीर के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और प्रशासन है कि सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें मूंदे बैठा है। सड़कों की खस्ता हाल हालत के अलावा गंदगी के अंबार भी मोटर मार्केट के बीच कारोबार करने वाले दुकानदारों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुके हैं। लोगों के मुताबिक वे कई बार इस समस्या को जड़ से खत्म किए जाने की गुहार प्रशासनिक अधिकारियों से लगा चुके, लेकिन उनके कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही, जिस कारण आम जनता परेशान हो रही है। सड़क टूटी हुई है जी, दिक्कत बहुत है, बरसात के टाइम एक्सीडेंट भी बहुत चांस है जी, ना प्रशासन बनाता है जल्दी इसका हल किया जाए। लोगों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि गड्ढों के बीच सड़क बनी हुई है या फिर सड़क में गड्ढे। इन्हीं हालातों के चलते हर वक्त किसी न किसी दुर्घटना की आशंका भी यहां बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश। जालंधर पहुंचे कांग्रेसी नेता और मेंबर पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कांग्रेस की सरकार को जहां बेहतर बतलाया, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सरकार की ओर से चुनाव के दौरान किए गए कुछ वायदे पूरे न किए जाने का ठीकरा उन्होंने केंद्र सरकार पर ही फोड़ दिया। केंद्र की मोदी सरकार पर बरसते हुए उन्होंने पंजाब की आर्थिक तौर पर खराब हुई हालत का जिम्मेदार मोदी सरकार को बतलाते हुए इस बात का हवाला दिया कि केंद्र की सरकार ने न सिर्फ आरडीएफ रोका, बल्कि राज्यों को मिलने वाले जीएसटी का भुगतान भी उसकी ओर से नहीं किया गया, जिस कारण उनकी नजर में केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ भेदभाव किया और इसी कारण के चलते सरकार अपने कई चुनावी वायदे पूरे नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।